आखिर केबीसी में 5 करोड़ जीतने वाले के साथ ऐसा क्या हुआ कि आज वो दूध बेच रहे हैं? और बॉर्डर की तारों पर इन बियर की बॉटल्स को क्यों लगाया जाता है? और लावा जैसा उबलता हुआ इतना गर्म सूरज के होने के बावजूद हमारा स्पेस बर्फ जैसा ठंडा क्यों है? और आखिर अंधे लोग अपने सपने में देखते क्या होंगे? क्या उन्हें अंधेरा ही दिखता होगा? अगर जानना है तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एकदम एंड तक। नंबर 1, केबीसी में 5 करोड़ जीतने वाला पहला आदमी आज दूध बेचकर अपनी जिंदगी बिता रहा है। सन 2011 में केबीसी में 5 करोड़ जीतने वाले सुशील कुमार आज अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और दूध बेचकर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 5 करोड़ जीतने वाले की आज ये हालत है? 5 करोड़ रुपए जीतने के बाद सुशील कुमार ने कुछ लोगों की बातों में आकर बहुत सारे पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किया, जिनके बारे में उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, और इसी वजह से उन्होंने अपना सारा पैसा गंवा दिया। सुशील कुमार हर महीने 50,000 रुपए डोनेट करते थे, जिस वजह से कई लोगों ने उनका गलत फायदा उठाया और उन्हें चीट किया। 5 करोड़ मिलने के बाद उनके कुछ ऐसे दोस्त बने जिन्होंने उन्हें बुरी लत लगा दी। इन वजहों से सुशील कुमार जी ने अपने पूरे 5 करोड़ रुपए गंवा दिए और आज उनकी ऐसी हालत है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं पैसा कमाने से ज्यादा पैसा संभालना ज्यादा मुश्किल होता है। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जागरूक करना बहुत जरूरी है। नंबर 2, आपने कभी न कभी ये गौर जरूर किया होगा कि बॉर्डर के तारों पर बियर की खाली बोतलें टंगी होती हैं, लेकिन इन बॉटल्स का असल काम क्या होता है? असल में ये बॉटल्स तब काम आते हैं जब बहुत ज्यादा धुंध की वजह से सैनिकों का बॉर्डर की निगरानी करना मुश्किल हो जाता है। जब कोई भी बॉर्डर पार करने की कोशिश करता है तो ये बॉटल्स एक दूसरे से टकराकर आवाज करने लगती हैं और इससे पता चल जाता है कि कोई बॉर्डर पार कर रहा है। दोस्तों, हमारे भारत के जवान भारत की सुरक्षा करने के लिए बहुत ही जी लगन से मेहनत करते हैं, इसीलिए उन्होंने ये तरीका अपनाया। तो दोस्तों, कई सालों से चलती आ रही ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 3, दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो कभी भी अपने इमोशंस और अपने बातों को किसी को भी नहीं समझा पाते। फॉर एग्जांपल, आपके ही क्लास में कुछ ऐसे बच्चे पढ़ते होंगे जिनको शायद सभी सवालों का जवाब पता होता होगा, लेकिन फिर भी पूछने पर वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाते होंगे, उनके मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकलता होगा। साइंस में इस कंडीशन को एलेक्सिथामिया कहते हैं और दुनिया के लगभग 10% लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, क्या आप भी अपने इमोशंस को दूसरे लोगों को नहीं समझा पाते? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 4, क्या हुआ जब एक बंदर ने पाकिस्तान का बॉर्डर पार कर भारत घुस आया? आपको ये बात शायद अटपटी लगे, लेकिन एक बार एक बंदर इंडिया का बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में घुस गया और उसके बाद पाकिस्तान ने उस बंदर को ही जेल में डाल दिया। अरे, इनको कोई समझाओ कि अगर जानवरों को जेल में डालने लगे तो इनका जेल भरने में समय नहीं लगेगा। नंबर 5, दोस्तों, हमारे शैतानी दिमाग में शैतानी सवाल आते रहते हैं, जिनमें से एक सवाल ये है कि अगर सूरज इतना ज्यादा गर्म है तो फिर हमारा सोलर सिस्टम इतना ठंडा क्यों है? हमारे सूरज की गर्मी को तो पूरे सोलर सिस्टम को गर्म कर देना चाहिए, फिर स्पेस ठंडा क्यों है? तो असल स्पेस में ऐसा कोई भी पार्टिकल या सब्सटेंस होता ही नहीं जो हीट को अब्सॉर्ब कर सके, जिस वजह से सूरज के इतने गर्म होने के बावजूद भी हमारा स्पेस इतना ठंडा रहता है। नंबर 6, भारत में लंबे समय से बेटियों और बेटियों में भेदभाव होता रहा है और यही भेदभाव बेटियों के पैदा होने पर भी देखा जा सकता है। भारत के कई लोग बेटी के पैदा होने पर दुख मनाते हैं और वहीं बेटे के पैदा होने पर बहुत खुशियां मनाते हैं। दोस्तों, आज की मॉडर्न दुनिया में भी आपको ये भेदभाव देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के इस बाल काटने वाले ने ऐसा काम किया जो सबके लिए एक सबक बन गया। सलमान नाम के इस बाल काटने वाले के घर एक बेटी पैदा हुई और इसीलिए उन्होंने अपने 3 बाल कटवाने की दुकानों को एक दिन के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो अपने घर में बेटी पैदा होने की खुशी पूरे शहर के साथ बांट सके और लोगों को ये बता सके कि बेटी पैदा होना दुख की नहीं बल्कि खुशी की बात है। नंबर 7, मिलिए एडी ली आर्चर जी से, जिनकी कंपनी का काम सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एडी ली आर्चर जी को फाउंडर है अटरनेवा नाम की एक ऐसे कंपनी की जो मरे हुए लोगों के राख से डायमंड्स बनाती है। ये बात 2015 की, जब एडी ली आर्चर जी की सबसे बेस्ट फ्रेंड की कैंसर की वजह से मौत हो गई और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को हमेशा अपने पास रखना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने अपने दोस्त की राख को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की मदद से एक डायमंड में बदल दिया ताकि वो पूरी जिंदगी अपने दोस्त को अपने साथ रख सके। एडी ली आर्चर जी की कंपनी ने अभी तक सैकड़ों लोगों की राख से डायमंड बना चुकी है। नंबर 8, कुंग फू एक ऐसी कला है कि अगर आपको 3-4 लोगों ने भी घेर रखा है तो आप उनसे मुकाबला करने की ताकत रखते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आज चाइना का कुंग फू जो पूरी दुनिया में फेमस है असल में चाइना का है ही नहीं, असल में भारत के ही एक निवासी ने चाइना को ये कला सिखाई थी। उनका नाम बोधि धर्मन था। अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो आज से लगभग 1500 साल पहले
बौद्ध धर्मन अपने धर्म यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चाइना गए थे और वहां उन्होंने कई लोगों को अपना शिष्य बनाया और प्राचीन युद्ध कला कलरी पट्टू सिखाई। बाद में धीरे धीरे इसी कलरी पट्टू युद्ध कला को चाइना के लोग कुंग फू बोलने लगे थे। ये बहुत गर्व की बात है कि कुंग फू भी हमारे देश भारत की ही संस्कृति थी और बाकी दुनिया ने भारत से ही कुंग फू सीखी। नंबर 9, आखिर अंधे लोग अपने सपने में क्या देखते होंगे। इससे पहले ये जान लीजिए कि दो तरीके के अंधे लोग होते हैं, एक तो वो लोग जो जन्म से ही अंधे होते हैं और एक वो जो जन्म के बाद किसी दुर्घटना की वजह से अंधे हो जाते हैं। वो आदमी जो किसी दुर्घटना की वजह से अंधा हो जाता है उसे अपने सपने में सिर्फ कलरफुल पिक्चर्स दिखाई देती है और वही एक ऐसा आदमी जो जन्म से अंधा होता है वो अपने सपने में कुछ भी नहीं देखता, वो सपने में सिर्फ चीजों को महसूस सुन या छू पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आदमी जन्म से अंधा होता है उसके दिमाग को बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर दुनिया दिखती कैसी है, जिस वजह से उस आदमी का दिमाग उसे सपने के अंदर भी कुछ नहीं दिखा पाता। दोस्तों कई लोग सोचते हैं कि वो बहुत बदकिस्मत है क्योंकि वो बस एक गरीब परिवार में पैदा हुए या गरीब है, लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, आपके जैसा खुशकिस्मत कोई नहीं, क्योंकि भगवान ने आपको दो अनमोल आंखें दी हैं जिनसे आप इस खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपके एक शेयर से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।